का बड़ा हो पाएगा, बच जाएंगे। हमारा मतलब इतना ही कहना है। आगे राज्यपाल बलबीर सिंह राज्यपाल जी अध्यक्ष मैं खड़ा होके कह दूं ऐसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं हमें, मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं, तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वहां पे जो आढ़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपए खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया, ही सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में सारे देश का एक जोन होगा। हमने पूछा कि बिहार से पैडी पंजाब में आती है, यूपी से पंजाब में आती है, यूपी से गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। हम अपना किन्नू बंगाल में बेंगलोर में बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा यहाँ तक दिल्ली तक हमारी पहुंच है, हम किसान की सब्जी मंडी आजादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज केला संतरा महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से जम्मू कश्मीर से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं, अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए, उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्न्ड बाय एपीएमसी एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस सरकार की, जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अगर नहीं हुई
तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, इससे आगे वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो हमने कहा ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। सेक्शन वाइज हमने टोटल सारे एक्ट्स को भारत सरकार के मंत्रियों से डिटेल में डिस्कस करके उनको डॉक्यूमेंट साथ दे दिए। आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया। हमारे पास मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुगर मिल वाले दो दो साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजिटेशन करनी पड़ती है। और 8.5% रिकवरी पे गन्ने का दाम तय होता है, अगर रिकवरी ज्यादा हो जाए तो इन द एंड ऑफ द ईयर उसकी एवरेज रिकवरी के हिसाब से एडिशनल गेन प्राइस देने का प्रावधान एक्ट में है, कभी किसी ने नहीं दी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो आप हमारे करवाओगे उनके उसमें लिख दिया कि वो एग्रीमेंट रद्द कर सकता है अगर जब क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी पे उसमें जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है उस बहाने किसी ना किसी बहाने वो रद्द करेगा, तो जो उसको खाद वगैरह जो उसके लिए पैसा दिया होगा किसान को उसके लिए